हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज के हवाले से, और अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर 6.1 से लेके 6.4 तक के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने डील किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो उससे अगले क्वेश्चंस की, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 6.4। तो आइए शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 द स्टेटमेंट इज सम द सीरीज। वी आर गिवन अ सीरीज और हमें इसका सम मालूम करना है कि इन सारों को ऐड करने पे क्या रिजल्ट करता है। क्या सीरीज है जी? 3 + 5 - 7, 9 + 11 - 13, 15 + 17 - 19, प्लस कहाँ तक जी? अप टू 3 एंड टर्म्स मैंने इसका सम मालूम करना है। कैसे मालूम करूंगा? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ सीरीज का। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 इंटू व्हाट? 2a1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा था। दिस फॉर्मूला वाज स्पेसिफिकली फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या ये गिवन सीरीज अर्थमेटिक है? आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने से पहले, कि देख लेते हैं कि क्या कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है। 3 और 5 का डिफरेंस 2 का, जबकि 5 और -7 का डिफरेंस -12 का। तो डिफरेंस ऑफ एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉमन, हेंस हमारी ये जो गिवन सीरीज है ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। तो अगर ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है, क्या मैं इसे अर्थमेटिक सीरीज बना सकता हूँ? अगर बना सकता हूँ तो कैसे? इज देयर एनी हिंट अवेलेबल? तो देखिए भाई, यहाँ पे उसने मेरे से डिमांड की है सम अप टू 3 एन टर्म्स। मैं क्या करता हूँ, 3n है, मैं 3-3 के पेयर्स बना लेता हूँ। व्हाट विल दैट डू? 3-3 के पेयर्स बना के पहले चेक कर लेते हैं क्या वो अर्थमेटिक बनती भी है या नहीं बनती। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट 3 को मैं कंबाइन करूंगा, नेक्स्ट 3 को एंड नेक्स्ट 3 को, एंड थ्रू आउट द सीरीज मैं 3-3 टर्म्स को कंबाइन करूंगा। 3 + 5 मेक्स व्हाट? 8, और 8 - 7 आपके पास क्या आता है जी? इट गिव्स यू 1। प्लस 9 + 11 इट मेक्स 20, 20 - 13 आपके पास आ जाता है जी 7। प्लस 15 + 17 व्हाट इट मेक्स? इट मेक्स 32। 32 - 19 कितने होते हैं जी? 13 + 100 जी। अब हमारी जो लास्ट टर्म है जो उसने 3 एन टर्म्स कही थी वो कितनी हो जाएंगी? जब आप 3-3 के पेयर्स बना रहे हैं तो इट मींस के हमारे नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली 3 पे डिवाइड होके सिंगल टर्म रिजल्ट कर रही है। ये 3 थी, सिंगल टर्म बन गई। 3 थी, सिंगल टर्म बन गई। 3 थी, सिंगल टर्म जनरेट की। इन अदर वर्ड्स, आप 3 पे डिवाइड करते जाए तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आती जा रही हैं। तो ये भी 3 एन टर्म्स है। तो 3 पे डिवाइड करने पे व्हाट विल इट बिकम? योर सम विल गेट टू एन टर्म्स। एन टर्म्स पर सम बन गया। अब चेक कर लेते हैं क्या ये अर्थमेटिक है या नहीं। सो 1 से 7 का डिफरेंस कितना है जी? 6 का। 7 से 13 का डिफरेंस कितना है जी? अगेन 6 का डिफरेंस है। सो इस टाइम हमारे पास डिफरेंस ऑफ एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉमन, यानी कि कॉमन डिफरेंस मूव कर रहा है। दैट मींस कि ये सीरीज कौन सी बन गई है इस टाइम? अर्थमेटिक बन गई है। कॉमन डिफरेंस 6 का मूव कर रहा है, इसी चीज को लिख लेते हैं क्या जी, कि मेरा a2 से a1 का डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 6 आ रहा है। सिमिलरली मेरा a3 और a2 का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? इट इज ऑल्सो 6। सो डिफरेंस ऑफ एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉमन, इसी बात को लिख लेते हैं। ये अर्थमेटिक सीरीज बन चुकी है। अब मैं आपके पास एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। व्हाट वाज द फॉर्मूला? इट वाज एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। वैल्यूज पुट करते हैं जी इसके अंदर। एस एन, उसने एन आपका एन ही मूव कर रहा है। हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ही फाइंड करेंगे। इक्वल एन विल रिमेन एज इट इज into 2 times of a1, what was the first term of the series? ये आपके पास 1 थी, plus n minus 1 आ जाएगा as it is, और common difference हमने कितना calculate किया? It came to be 6। इसको हम लोग simplify करके अपना sum मालूम कर लेते हैं। sn आपके पास आ जाएगा वैसे ही, equals n by 2 will also remain same into 2 ones are 2 आ जाएगा आपके पास, plus ये 6n माइनस 1 से मल्टीप्लाई है। सो 6 को n से मल्टीप्लाई करें, यू विल हैव 6n माइनस 6, 1 आर 6 आ जाता है आपके पास।
ये 2 माइनस 6 सेम कॉन्स्टेंट है, हम लोग इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं व्हाइल द रेस्ट विल रिमेन सेम। तो एस एन इक्वल आ जाएगा एन ओवर 2 इंटू 6 एन एज इट इज, जबकि 2 माइनस 6 क्या रिजल्ट करता है, इट रिजल्ट्स नेगेटिव ऑफ 4। अब इधर मेरे पास ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है, टेक द 2 कॉमन, व्हाट विल दैट डू, बाहर एन ओवर 2 वैसे ही 2 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर मेरे पास बच गया जी 3n माइनस 2, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली मेरा एस एन इक्वल आ जाएगा जी किसके, n इंटू 3n माइनस 2। तो ये मेरे पास फाइनली सम ऑफ द सीरीज आ जाता है अप टू 3n टर्म्स जो उसने डिमांड किया था और हम लोगों ने उसको n टर्म्स में कन्वर्ट करके फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द स्टेटमेंट इज फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज की 20 टर्म्स का सम मालूम करना, गिवन क्या हुज rth टर्म इज व्हाट 3r प्लस 1। मुझे एक जनरल वैल्यू गिवन है जिस तरह nth टर्म होती है, दिस टाइम ही हैज नेम्ड इट एज rth टर्म और डिमांड किया कि मैं इस सीरीज की 20 टर्म्स का सम मालूम करूं। तो ऑब्वियसली मैं सम तभी मालूम कर सकता हूं जब मेरे पास सीरीज मौजूद हो। तो आइए इसको देखते हैं कि सीरीज कैसे आएगी और हम सम कैसे मालूम करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मुझे जो चीज गिवन है वो है जी ए आर एंड दैट इज 3r प्लस 1। मैं r की जगह 1 2 3 पुट करूंगा तो मेरे पास बिलतरतीब पहली दूसरी और तीसरी टर्म सीरीज की आ जाएंगी। वही काम कर लेते हैं जी। सो r की जगह 1 पुट करें तो a1 वन फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विल बी व्हाट, 3r की जगह पे 1 एंड प्लस 1 विल कम एज इट इज। सो 3 वन्स आर 3 एंड 3 प्लस 1 मेक्स इट 4, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज आ जाती है जी 4। सेकंड टर्म चाहिए तो r की जगह पे 2 पुट कर दें, यानी हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1, सो 3 टूज आर 6 एंड 6 प्लस 1 मेक्स इट 7। थर्ड टर्म के लिए r की जगह 3 पुट करें तो ये आ जाएगा जी 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 थ्री आर 9 प्लस 1 मेक्स इट 10। तो ये मेरे पास मेरी सीरीज की टर्म्स आ चुकी हैं। इसी तरह से मैं बाकी टर्म्स भी मालूम कर सकता हूँ। सो माय सीरीज बिकम्स व्हाट इट इज 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस सो ऑन। तो ये मेरे पास मेरी सीरीज जनरेट हो गई है। अब मैंने सम मालूम करना है पहली 20 टर्म्स का, तो क्या मैं इसके अंदर एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? नहीं, मुझे पहले देखना पड़ेगा कि क्या जो सीरीज हमने बनाई है ये अर्थमेटिक है या नहीं। इसको चेक किए बगैर भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं। वो कैसे, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब भी हमें nth टर्म या rth टर्म जो है वो लीनियर फॉर्म में गिवन हो तो इट इज अंडरस्टूड कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बना करेगी या अर्थमेटिक सीरीज ही होगी। आप चेक भी कर सकते हैं, बट वी नो इट इज अर्थमेटिक, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं। सीरीज अर्थमेटिक है विद कॉमन डिफरेंस व्हाट जी, विद कॉमन डिफरेंस 4 से 7 में 3, 7 से 10 में 3, तो 3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। अब मैं एसएन का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। द एस एन वॉज एन ओवर 2 इंटू व्हाट 2a1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, मुझे सम चाहिए 20 टर्म्स का, तो मेरा एन कितना हो जाएगा, इट विल बी 20। तो सम ऑफ 20 टर्म्स विल बी इक्वल्स टू एन की जगह पे 20 ओवर में 2 वैसे ही इंटू 2 टाइम्स ऑफ a1। a1 आपकी सीरीज की क्या है जी, इट इज 4, तो a1 की जगह पे आ जाएगा जी 4 प्लस n माइनस 1 n 20 है माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस व्हिच वी हैव फाउंड टू बी 3। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और फाइनली वी विल गेट द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ये आ जाएगा जी s 20 इक्वल्स 20 को 2 पे डिवाइड किया 10 इंटू 2 4 आर 8, 20 माइनस 1 मेक्स 19 टाइम्स ऑफ 3, क्या होगा जी आपके पास 10 आ जाएगा वैसे ही इंटू 8 प्लस 19 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 57। अब ये आपके पास आ जाएगा जी 10 इंटू 8 प्लस 57 कितने होते हैं, इट मेक्स इट 65। तो 65 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 650 एज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दैट सीरीज
जिसकी आर्ट्स टर्म आपके पास क्या थी, 3R+1 थी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके पास कि अगर SN इक्वल है n टाइम्स ऑफ 2N-1 तो सीरीज मालूम करनी है। मुझे n टर्म्स तक का सम गिवन है एंड आई एम आस्क्ड टू फाइंड द सीरीज। देख लेते हैं जी इसका सोल्यूशन भी कैसे मालूम करेंगे। SN मुझे गिवन है जो कि क्या है जी n टाइम्स ऑफ 2N-1। मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ही S1, S2, S3, S4 कैलकुलेट कर लेता हूँ जो कि बिलतरतीब मेरी पहली 1, 2, 3, 4 टर्म्स के सम को इंडिकेट करते हैं। व्हाट विल आई डू, जस्ट सिंपली राइट पुट n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, n की जगह 1 पुट करने पे फर्स्ट टर्म S1 का सम आ जाएगा 1 × 2 × 1-1। सो 2 × 1 = 2-1, 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 1 ही आता है। जब मैं n की जगह पे 2 पुट करूँगा क्या हो जाएगा जी, इधर n की जगह पर आ जाएगा 2 × 2 × 2-1, क्या होगा 2 × 2 = 4, 4 − 1 = 3 और 3 × 2 = 8 इट विल बिकम 6। जब मैं S3 की बात करूँगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज, n की जगह पे आ जाएगा 3 × 2 × 3-1, 2 × 3 = 6, 6 − 1 = 5 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 15। सिमिलरली लास्टली मैं अपनी 4 कैलकुलेट करता हूँ, n की जगह 4 × 2, अगेन n की जगह 4 एंड माइनस का 1, 2 × 4 = 8, 8 − 1 = 7, 7 × 4 = 28 आ जाता है हमारे पास। तो मेरे पास पहली टर्म का सम 1, पहली दो टर्म्स का सम 6, पहली तीन टर्म्स का 15, जबकि पहली चार टर्म्स का सम 28 आ जाता है। ये निकालने का मुझे फायदा क्या हुआ, एक चीज जो हमें क्लियर है वो ये कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो होती ही एक अकेली टर्म है, यानी A1 आपका S1 है और S1 आपने कितना कैलकुलेट किया था 1, तो फर्स्ट टर्म तो सीरीज की मेरे पास 1 आ गई। अब मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, आपके जहन में आ रहा होगा कि S2 का मतलब है क्या जी, A1 + A2। S2 मुझे मालूम है कितना है, S2 मेरा 6 है, इक्वल्स टू A1 मुझे मालूम है 1 + A2। अब ये जो 1 A2 में ऐड हो रहा है लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा, सो A2 मेरे पास क्या आ जाएगी, इट विल बी 6 − 1 = 5। सिमिलरली A3 चाहिए, A3 कैसे निकलेगी, S3 का फॉर्मूला यूज कर लें, S3 इक्वल होता है जी A1 + A2 + A3। तो हर बार टर्म्स बढ़ती जा रही हैं। इज देयर एनी अदर कन्वीनियंट वे, तो जी हाँ एक और रास्ता मौजूद है, बजाय इसको इस्तेमाल करने के वी हैव अ फॉर्मूला विच इज AN = SN − SN−1। यानी कि जो टर्म्स आपने मालूम करनी है सम से, आप सिंपली उस टर्म्स तक के सम में से पिछली टर्म्स का सम माइनस कर दें। तो उसका क्या मतलब है, यानी कि ये जो मेरे पास है इधर से ही आप देख लें, S3 आपको चाहिए था, तो S3 विल बी इक्वल टू व्हाट, A1 + A2। ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था, पहली दो टर्म्स के सम को, यानी ये S2 + A3 है, तो ये जो S2 + हो रहा है लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि S3 − S2 दिस विल गिव यू व्हाट, योर A3। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इट विल ओनली बी वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। अगर आप n की वैल्यूज 1 से बड़ी करेंगे उनके लिए ये होल्ड करेगा, 1 के ऊपर या उससे पीछे ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करता। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, मैंने फर्स्ट टर्म भी निकाल ली हुई है, सेकेंड टर्म भी निकाल ली है, नाउ इन इट थर्ड टर्म n की जगह 3 पुट करें, A3 हो जाएगा S3 − S3 − 1 कितना होता है जी S2। मैंने सारे सिंप्लीफिकेशन से जान छुड़वा के सिंपली एक जनरलाइज फॉर्म लिख ली। अब S3 कितना निकला हुआ है, S3 आपका है जी 15 माइनस S2, S2 कितना है 6, सो 15 − 6 A3 मेरे पास आ जाती है जी 9। A4 चाहिए, इसी फॉर्मूला में n की जगह 4 पुट कर दें, यानी A4 इक्वल होगी S4 − S3। पहली चार टर्म्स का सम कितना निकलना हुआ है आपने जी 28, तो S4 की जगह आ गया 28 − S3 कितना है जी 15,
सो 28 माइनस 15 इट गिव्स अस व्हाट 13, यानी कि मेरी सीरीज क्या आ गई, सीरीज मेरे पास आ गई, फर्स्ट टर्म मेरे पास आई 1 प्लस सेकंड टर्म मेरे पास आई 5 प्लस थर्ड टर्म मेरे पास आई 9 और प्लस फोर्थ टर्म आई 13 एंड सो ऑन। ये मैंने सीरीज फाइंड कर ली है जिसके मुझे एस एन गिवन थी।